और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि रात छतरपुर में श्री बागेश्वर धाम श्री 1008 जो हमारे बागेश्वर धाम जी महाराज है वो वहाँ यहाँ पर आए थे और हमने बहुत नजदीक से उनके दर्शन करे हैं। लेकिन एक आस्था का विषय होते हुए मेरी उनसे मिलने की इतनी ज़्यादा इच्छा है तो मैं अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बागेश्वर धाम यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर है और मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनसे जरा सी मुलाकात हो जाए और जो मेरा सपना है जो मैंने अलग से ये ट्रैवलिंग करी है 200 किलोमीटर की लगभग ये ट्रैवलिंग बन जाएगी, मैं उनसे मिलकर अपना ये जो मेरा सपना है वो मैं पूरा कर लूँ। फिलहाल वो इस समय बहुत ज़्यादा इंडिया और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा गुरुजी बहुत फेमस हैं और आपके हमारे जैसे एकदम यंग गुरुजी हैं, एकदम हैंडसम स्मार्ट गुरुजी हैं, आपसे उनको आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अपने भैया को भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया है। दोस्तों जैसे समय बढ़ता जा रहा था ऐसे ही सभी लोग महाराज जी के आने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनको पता लगा कि महाराज जी पंडाल में आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और कितना मुश्किल हो गया उनका स्टेज तक मंच तक पहुँचना, ये बड़ा ही जद्दोजहद वाला मामला हो जाता है ऐसी स्थिति में। दोस्तों आप लोगों की आस्था को देखते हुए मैंने इस प्रोग्राम की एक भी वीडियो को कट नहीं किया है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश की है श्री बागेश्वर धाम सरकार जी को बहुत पास से बहुत नज़दीक से। अपने चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर पहली बार मैंने खुद पहली बार इनके सामने से दर्शन किए हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनके दर्शनों को बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक एकदम सहृदय कोमल हृदय के साथ इनको देखें। ये इस समय वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे छतरपुर पहुंचने से मात्र 8 से 10 दिन पहले ये लंदन की संसद में भी जाके अपना भाषण वगैरह दे के आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो संत महात्मा की जो छवि है वो अभी धीरे धीरे सुधरती जा रही है, क्लीन होती जा रही है।
और बस हम महाराज जी के दो शब्द, महाराज जी का आशीर्वाद, यह सब है नंद किशोर यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। अपने अपने बताई बाप की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। छतरपुर वासियों की जय। आज के मेला महोत्सव में आए हुए सभी भक्तजनों की जय। जो नहीं आए उनकी भी जय। सहयोग करने वालों की जय। विरोध करवे वारन की भी जय। नमः पार्वती पते हर हर। हाथ उठाकर बड़ी जोर से बोलो हर हर। पूर्णे सदा पूर्णे संकल्प प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम दीक्षां देवी च पार्वती। शास्त्र कहते हैं भूत बावन भोले बाबा को भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेनी पड़ी, मां अन्नपूर्णा मैया से। और भोले बाबा को भी माँ से भिक्षा लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। जो गुरुवार के दिन सोमवार के दिन अपने घर के शुद्ध पवित्र भाव से बने हुए भात, भात यानी चावल, चावल को लाकर माँ को प्रसाद लगाता है, उसके घर में कभी भी भंडार की कमी नहीं होती। और ये कोई प्राचीन मूर्ति, एक तो काशी जी में है, काशी विश्वनाथ जी ने भी अन्नपूर्णा माता है, दूसरी यहाँ विराजमान है। और आपको हम बताएं, आज ही हमारे मन में दर्शन करने के बाद भाव प्रकट हुआ कि हम यहाँ से आशीर्वाद स्वरूप बागेश्वर धाम में भी अन्नपूर्णा माता का विग्रह स्थापित करें, क्योंकि तो ठाकुर जी को बड़ी भूख लगी। ठाकुर जी को भूख लगी तो जगन्नाथ में जो ठाकुर जी विराजमान है वहां पर अपने पुजारी जी से श्री ठाकुर जी ने कहा, पुजारी जी वैसे तो हम रोज सुबह बाल भोग करके आते थे लेकिन आज बाल भोग नहीं मिला, ज्यादा प्रसाद रख देना। तो संत जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा, क्यों महाराज? बोले रोज तो वो भक्तनी हमें बिना नहाए बना देती थी, बढ़िया खिचड़ी हम पा लेते थे, पर ना जाने कौन सा महापुरुष, कौन से पंडित जी उसको उपाय बता गए, उस उपाय के चक्कर में स्नान करके बनाती। अच्छा हाँ, जैसे ही इतना सुना सोई पुजारी जी भागे भागे कर्म वो भक्तनी माँ के पास गए। बोले माँ आप जैसे प्रसाद बनाती हो वैसे ही बनाओ, ठाकुर जी आपके प्रसाद के बिना भूखे रहते हैं, आप नियम में मत पड़ो, आप तो भाव पूर्वक जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाओ, ठाकुर जी पाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे सब आप लोग? मैं हूँ स्वराज दीक्षित, कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आज छतरपुर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पास, और मेरे साथ हैं हमारे भाई जी श्री रविंद्र, है ना आपका नाम? रविंद्र सिंह। श्री रविंद्र सिंह जिन्होंने मुझे छतरपुर में वन नाइट स्टे दिया है, अपने पास रहने खाने की सारी व्यवस्था दी है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि रात छतरपुर में श्री बागेश्वर धाम, श्री 1008 जो हमारे बागेश्वर धाम जी महाराज हैं वो वहाँ यहाँ पर आए थे और हमने बहुत नज़दीक से उनके दर्शन करे हैं। लेकिन एक आस्था का विषय होते हुए मेरी उनसे मिलने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, तो मैं अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बागेश्वर धाम यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर है और मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनसे ज़रा सी मुलाकात हो जाए, और जो मेरा सपना है, जो मैंने अलग से ये ट्रैवलिंग करी है 200 किलोमीटर की लगभग ये ट्रैवलिंग बन जाएगी, मैं उनसे मिल के अपना ये जो मेरा सपना है वो मैं पूरा कर लूँ। फिलहाल वो इस समय बहुत ज़्यादा इंडिया और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा गुरुजी बहुत फेमस हैं, और आपके हमारे जैसे एकदम यंग गुरुजी हैं, एकदम हैंडसम स्मार्ट गुरुजी हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अपने भैया को भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया है। आपको कुछ कहना है भैया? कुछ कर्तव्य है कि आप लोग हमारे यहाँ पे आए, रुके एक रात के लिए जी, हमारा सौभाग्य है। अच्छा, आगे भी कभी मौका मिले तो फिर आना। चलो ठीक है, ओके भैया, ओके, धन्यवाद।
दोस्तों बागेश्वर धाम के दर्शन करिए आप सभी लोग। और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम का मंदिर प्रांगण आ जाता है। बागेश्वर धाम अभी जस्ट 1 किलोमीटर दूर, मतलब अभी हम बहुत ही नज़दीक हैं उनके। और यही वो मेन रास्ता है, यहाँ से आप बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुँच सकते हो। अंडर डेवलपिंग एरिया श्री बागेश्वर धाम सरकार, जो कि छतरपुर में स्थित है। और वहाँ पर जाकर मैंने भी अपनी तरफ से कुछ सेवा देने की कोशिश की थी, और मैं अपनी इस तरह की से मैंने सेवा दी है। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, सेवा करते हैं, उसी तरीके की मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाने की और समझाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तब सुबह के 10 बजे थे, और जब दोपहर में 2:30 बजे मैं यहाँ से सिर्फ ये सोच कर निकला था कि मुझे चाय पीने जाना है, तभी तुरंत महादेव ये जो महाराज जी हैं वो तुरंत नीचे आ गए। पब्लिक एकदम क्राउड इकट्ठा हो गया, और ये दोनों तरफ से उन्होंने गेट बंद कर लिए। गेट बंद करने की वजह से मैं दोबारा अंदर नहीं आ पाया, और जो 1 से 1.5 मिनट के जो मुझे दर्शन होने वाले थे वो मुझे नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इंडिविजुअली रात को दर्शन कर चुका था बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से। तो मैं यही कारण मान सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी डेस्टिनी मान सकता हूँ, अपनी किस्मत मान सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने ट्रैवल की थी, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ साइकिल से, और मैंने यहाँ से मुजफ्फरनगर से ट्रैवलिंग को शुरू करते हुए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं एक बार महाराज जी के पास पहुँचा था, तो मुझे लगता है कि इनके स्टाफ के द्वारा एक बार मुझे मिलवाने देना चाहिए था। लेकिन स्टाफ को थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कल रात बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, ये मेरा टूर बहुत अच्छा रहा। बस थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हुआ था बागेश्वर धाम सरकार जाके, क्योंकि वहाँ पर मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी अन्य लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं। ये इनकी गद्दी आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं इसी धाम में। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, और 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठने के बाद जब मेरा अचानक मुझे चाय का हुआ, तभी एकदम महाराज जी आ जाते हैं, और भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, बाहर इकट्ठी हो जाती है, अंदर के गेट बंद हो जाते हैं। ये इसके अंदर जो आप देख रहे हो, इस दरबार के अंदर नीचे में हम बैठे हुए थे अंदर, तभी महाराज जी आ जाते हैं, और सब एकदम वो सब स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ये था मेरा बागेश्वर धाम सरकार का एपिसोड, आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।